रात के अंधेरे में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता शहनवाज आलम। सीए के विरोध के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी का जमकर किया विरोध। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर जमकर चलाई लाठी। अजय लल्लू ने कहा कि दमनकारी नीति पर उतारू यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है और डराना इसलिए चाहती है कि जनहित मुद्दों पर सवाल उठाना गुनाह है। यूपी में भाजपा सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक रही है। विरोध करने पर लाठी चार्ज करा रही है, यह कहना है यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। देखिए कैसे अजय कुमार लल्लू और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो रही है। फास्ट के आधार पे आप उसके न्यायालय पे जाएंगे ना, उसके लिए न्यायालय जाएंगे ना, न्यायालय जाएंगे क्या थाने पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? जबरदस्ती आप न्यायालय जाकर क्या होगा? न्यायालय आप पकड़ के लाए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। बात नहीं, मेरी बात आपसे बात करेंगे, बात नहीं कर करेंगे। अरे दरअसल मामला उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन शहनवाज आलम की गिरफ्तारी का है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सोमवार की रात ने मुख्यमंत्री आवास के निकट से शहनवाज आलम की पुलिस चुपचाप गिरफ्तार कर ले जाती है। गिरफ्तारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद सीसीटीवी का वीडियो प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर डालकर कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का विरोध जताया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध करने लगे। मामले की जानकारी जब अजय लल्लू को हुई तो वो रात में ही कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। थाने में कांग्रेस नेता जमकर नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के मुताबिक शहनवाज को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में नामजद किया गया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उनका नाम न मुकदमे में है न ही चार्जशीट में दर्ज है, तो अचानक गिरफ्तारी क्यों की? आज दिनांक 29/6/2020 को शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनकी गिरफ्तारी मुकदमा अपराध संख्या 600/19 जो कि 19/12/2019 को घटित घटनाएं जो परिवर्तन चौक पे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में हुई थी, उसमें इनका नाम पूर्व से प्रकाश में आया था और इस पर साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाएं जारी थी और पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यही लोकतंत्र है। फास्ट के आधार पे आप उसके न्यायालय पे जाएंगे ना, उसके लिए न्यायालय जाएंगे ना, न्यायालय जाएंगे क्या थाने पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? जबरदस्ती आप न्यायालय जाकर क्या होगा? न्यायालय आप पकड़ के लाए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। बात नहीं, मेरी बात आपसे बात करेंगे, बात नहीं कर करेंगे। शहनवाज की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने प्रदेश की सरकार को गूंगी और बहरा बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक तरह प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर हो गई है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। इस अलग वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा रही है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है और डराना इसलिए चाहती है कि जनहित मुद्दों पर सवाल उठाना गुनाह है। मजदूरों के साथ खड़े होना अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के चेयरमैन को जिस तरीके से कल रात में उनके आवास से गिरफ्तार किया, सादी भी इस पर पुलिस को भेजना। शहनवाज आलम को आतंकवादी है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग जिंदा जल रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़े हैं और लड़ेंगे। जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करता रहे। शहनवाज की रात में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
आज कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अजय लल्लू के नेतृत्व में विधानसभा घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको कांग्रेस कार्यालय के गेट पर से ही गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ अब यूपी की सियासत में कांग्रेस की संजीवनी देने के लिए मैदान में उतरी प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका जहां लगातार योगी सरकार पर गलत नीतियों का विरोध करते हुए हमला बोल रही हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार पुलिस की लाठी से कांग्रेसियों की आवाज दबाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।